सर ये थोड़ा हम आगे धीरे धीरे बढ़े कि आखिर ये वायरल फीवर क्या है, बच्चों को क्यों इन दिनों इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। पटना के जितने भी अभी जो मीडिया में खबरें चल रही है उसमें ज्यादातर जो हॉस्पिटल है उनके बच्चों का जो वार्ड है वो फुल हो चुका है इस वायरल फीवर के चलते। थोड़ा इसको जरा विस्तार से बताएंगे आखिर क्या है ये वायरल फीवर और इसके लक्षण क्या कुछ हैं। देखिए, वायरल फीवर जो आज के दिन में बिहार में बहुत तेजी से फैला है और अन्य स्थानों पर भी बहुत तेजी से इसकी रिपोर्ट्स आए हैं। ये इन्फ्लुएंजा वायरस सामान्यतः इस मौसम में जब बहुत टेम्परेचर का वेरिएशन और ह्यूमिडिटी बहुत अधिक रहती है, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी बरसात होती है, तो ऐसे स्थिति में वायरस एक्टिवेटेड होते हैं और वायरस रेप्लिकेशन बढ़ता है और वायरस का स्ट्रेन भी चेंज होता है। तो अभी जो हुआ है, थोड़ा सीवियर स्ट्रेन का वायरस आया है और ये वायरस बच्चों के साथ साथ अन्य वर्ग के लोगों को भी, अन्य एज के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन बच्चे चूंकि ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें इसकी प्रकोप ज्यादा दिखी जा रही है हाल के दिनों में। इसके लक्षण जो होते हैं वायरल, इसका जो जो प्रसार होता है एक से दूसरे में, जो ट्रांसमिशन होती है, वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है। मुख्यतः एक से दूसरे में ट्रांसमिशन खांसी, छींक, सर्दी और सिक्रीशंस के माध्यम से ही होती है, इस तरह के वायरल बुखार की। तो उसमें जब एक भी व्यक्ति, कोई भी घर में अगर प्रोड्रोमल या फिर उनको हल्का इन्फेक्शन का कोई भी लक्षण है, तो वो उससे घर के अंदर बहुत तेजी से बच्चों में फैल सकता है। स्कूल खुलने पर या भीड़ भाड़ वाले इलाके पर भी अगर एक भी बच्चे को है, तो उससे भी एक से दूसरे में ट्रांसमिशन उसके छींक के द्वारा, सर्दी के द्वारा, खांसी के द्वारा बहुत तेजी से जा सकती है। और ये लक्षण जब आते हैं, इसके लक्षण जो होते हैं, ट्रांसमिशन इस तरह से आसान हो जाता है जिससे कि ड्रॉपलेट के कारण से एक बार में बहुत लोग फिर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और इसके लक्षण जो होते हैं उसमें तेज बुखार आना, सर्दी होनी, नाक जाम होना, छींक आना, खांसी होनी, और जब सीवियर होता है तो उस समय खांसी के साथ साथ थोड़ा दम भी फूलता है, भूख नहीं लगती है, डायरिया, डिसेंट्री भी होती है, और किसी किसी को तेज बुखार के जब ब्रेन पर भी ये वायरल फीवर चढ़ता है तो फिर किसी को हल्की चमकी भी आ सकती है। तो इस तरह के ये लक्षण होते हैं जो इस वायरल फीवर के होते हैं। और तीन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः वायरल फीवर एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, 1 हफ्ते से 8 दिन होते होते, लेकिन कभी कभी वायरल फीवर से ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक कमजोरी लगी रहती है। लेकिन यदि किसी भी बच्चे को या कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति है, बुजुर्ग है, जो को मॉर्बिड कंडीशन से जो संक्रमित है, जैसे जिनको डायबिटीज है हाई, या कार्डियक इश्यू है, या किडनी की समस्या है, या अन्य किसी तरह की समस्या है, उन लोगों को सचेत रहना आवश्यक है और तीन बातों पर ध्यान देना है। यदि बुखार के साथ, खांसी के साथ अफनी की शिकायत आ रही है, दम फूलने की शिकायत आ रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, तो उन्हें हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ती है। विशेषकर बच्चों को हो सकता है कि उसमें नेबुलाइजेशन उनको करना पड़े या ऑक्सीजनेशन की व्यवस्था करनी पड़े, इंटरवेंशन करना पड़े। दूसरी चीज है, यदि इस तरह के वायरल फीवर पे किसी को डायरिया, डिसेंट्री बहुत होने लगी, लूज मोशन बहुत होने लगा, विशेषकर बच्चों को, तो उसका स्किन देखना चाहिए। जैसे ये हाथ है, ये यहाँ पर अभी जैसे हम इससे उठा रहे हैं, तो अभी उठ गया और अभी तुरंत में अपने स्थान पर आ गया। अगर बच्चों में कहीं भी गाँव में आप देख रहे हैं, अगर उसे वायरल फीवर हुआ है, डायरिया, डिसेंट्री हुई है, अगर उसके हाथ, उंगली ऐसे जस्ट उंगली पकड़ करके घर से उठा करके देखे घर में बच्चे में, और वो स्थान पर जाने में समय लगाए, तो इसका मतलब ये शरीर में अत्यधिक पानी और लवण की कमी हो चुकी है। तुरंत अस्पताल जाकर के उन्हें पानी चढ़ाने की आवश्यकता होगी। और तीसरी जो जो स्थिति होती है, जब आपको अस्पताल तुरंत जाना होता है, उसमें यदि हाई फीवर होने के बाद बच्चों में चमकी आने लगे, झटका आने लगे, कन्वर्शन होने लगे, तुरंत एंटी कन्वर्जन देने की आवश्यकता हो सकती है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होती है। तो लक्षण तो ये सामान्यतः होते हैं जो खांसी, सर्दी, बुखार वाले होते हैं, उसके साथ साथ ये तीन अगर सीवियर उसमें लक्षण आ रहे हैं तो हॉस्पिटलाइज करना आवश्यक होता है। तो इस तरह के ये ट्रांसमिशन इस तरह से होते हैं और लक्षण ये मुख्यतः देखे जाते हैं बच्चों में।